हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। अभी हम लोग सिसिलियन डिफेंस की सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो में कभी भी आपको कुछ भी एडिटिंग जैसा दिखेगा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं आजकल के ज़माने में कि जो चैनल ज़्यादा एडिटिंग वाला होता है और बपकादार, मतलब बहुत ही रंग रोगान वाला होता है, उसको तुरंत सब्सक्राइब कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता हूँ। मेरे हर एक वीडियो में आप देख सकते हो कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको चेस सिखाता हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको लोगों तक मेरा नॉलेज शेयर करना, और मैं जितना भी जानता हूँ चेस के बारे में, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए चैनल में आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको वन बाय वन बहुत सारी ओपनिंग्स सीखने को मिलेगी। मिडल गेम के भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, एंड गेम के बारे में भी बहुत सारे वीडियो मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सिसिलियन डिफेंस। लास्ट टाइम हमने देखा था ऑड मूव फ्रॉम वाइट साइड। आज हम देखेंगे एक ऐसी ओपनिंग कि कई लोगों को सिसिलियन खेलने के बाद वाइट के सामने अटैकिंग अगर वाइट करता है तो उसे खेलने में ब्लैक से दिक्कत होती है। मैं आपको सिंपल और एकदम इजी मूव्स बताऊंगा। मोरा गैम्बिट, सभी लोगों ने नाम तो सुना होगा, हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन। इसके बारे में मैंने मोरा गैम्बिट के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो मोरा गैम्बिट जब आपके सामने कोई खेलता है और आप सिसिलियन खेलना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कौन से मूव का क्या रिप्लाई देना है, वो मैं ब्लैक को अच्छी पोजिशन में ला के बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोरा गैम्बिट सिसिलियन डिफेंस। e4 c5। मोरा गैम्बिट जो प्लेयर है वो सेकंड मूव में d4 करते हैं। दोस्तों, यहां कंपलसरी आपको d4 लेना ही होगा, वरना सेंटर व्हाइट के हाथ में आ जाएगा। तो c takes d4, उसके बाद व्हाइट c3 पॉन के ऊपर एक अटैक। यहां पे व्हाइट गैम्बिट लाइन खेल रहा है, गैम्बिट मतलब एक पॉन सैक्रिफाइस करेगा। c3 में यहां d into c3 एक और लाइन है। अगर आपको मोरा गैम्बिट डिक्लाइन करना है तो पॉन वापस करके d3 करके खेल सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन करूंगा आप पॉन ले ही लो, पॉन टेक्स पॉन। पर डिफेंस परफेक्ट अगर आप करोगे एक पॉन सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करके, तो ये गेम पूरी आपके हाथ में हो जाएगी। डिफेंस खास ध्यान रखना है कैसे करना है। c into d3 जब आप मारोगे, व्हाइट खेलेगा knight takes c3। व्हाइट इसमें पॉन क्यों दे रहा है, क्योंकि व्हाइट को जल्दी डेवलप करना है और अर्ली अटैक करना है ब्लैक के ऊपर, सिसिलियन के ऊपर, अगेंस्ट सिसिलियन। यहां तुरंत आपको सबसे पहले a6 खेलना है। a6 इसलिए कि बिशप c4 आएगा मोरा गैम्बिट में और knight b5 नहीं आए, इसलिए तो यहां पे आपको a6 अर्ली खेलना है। व्हाइट खेलेगा बिशप c4 जो कि मोरा गैम्बिट की पैटर्न मूव है। f7 के ऊपर व्हाइट टारगेट करता है और किंग साइड के पीसेस जल्दी डेवलप करता है। तो यहां पे आपको रिप्लाई देना है e6। जब भी f7 के ऊपर प्रेशर आता है तो पहले ही उसे बंद कर दो बिशप को। e6 के बाद knight f3, ये व्हाइट की मोरा गैम्बिट की पैटर्न मूव है। knight f3 के सामने यहां आपको खेलना है b5। a6 का रीजन ये भी है एक, कि आप बिशप पे अटैक करके अपना बिशप डेवलप कर लो। b5 के रिप्लाई में व्हाइट को बेस्ट ऑप्शन है बिशप b3। अगर बिशप अहीं इधर d3 या e2 पे जाता है तो उसका पूरा अटैक चला जाएगा, इसलिए वो अटैक कंटिन्यू करने के लिए बिशप b3 खेलेगा। bb3 के बाद आपको खेलना है बिशप b7। व्हाइट खेलेगा a3। a3 के बजाय एक और भी मूव है जिसके बारे में मैं वापस आपको बताऊंगा, कैसलिंग। तो उसके रिप्लाई में आपको क्या करना है, तो पहले a3 का रिप्लाई देख लेते हैं। a3 के सामने आपको यहां सिंपल d6 करना है। तो नाइट को कंट्रोल कर रहा है, पॉन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो d6
उसके बाद व्हाइट खेलेगा कैसलिंग, एक मूव लेट कैसल किया, यहां आपको नाइट एफ सिक्स करना है, क्वीन ई टू, एनबीडी सेवन, व्हाइट की ओर के जितने भी मूव्स हैं सारे मोरा गैम्बिट के परफेक्ट मूव हैं। एनबीडी सेवन खेलने के बाद व्हाइट खेलेगा रुक डी वन और यहां सिंपल आपको बिशप ई सेवन करना है। अब व्हाइट यहाँ पे ज्यादा कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली आपका डिफेंस हो गया है और ये पोजीशन के बाद कंप्यूटर ब्लैक को स्लाइट बेटर मानता है। दूसरा वेरिएशन देखते हैं, ई फोर सी फाइव डी फोर सी टेक्स डी फोर देन सी थ्री पॉन टेक्स पॉन आफ्टर नाइट सी थ्री ए सिक्स बिशप सी फोर, यहाँ पे आपको ई सिक्स भी कर सकते हो और पहले बी फाइव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ई सिक्स में पहले सजेस्ट करूँगा आप एफ सेवन का अटैक बंद कर दो पहले ही। आफ्टर ई सिक्स वाइट खेलेगा नाइट एफ थ्री, उसके बाद आपको खेलना है बी फाइव बिशप बी थ्री और यहाँ बिशप बी सेवन। यहाँ पे हमने देखा था कि व्हाइट ए थ्री कर रहा है, ए थ्री नहीं करे और अगर व्हाइट ने यहां पर कैसल किया, नाइन्थ मूव में कैसलिंग, सॉरी एट्थ मूव में ए थ्री के बजाय कैसलिंग, तो यहां आपको रिप्लाई देना है बी फोर और सिंपल यहां से ब्लैक की विनिंग पक्की है। अब ए थ्री इसीलिए आता था कि बी फोर स्टॉप करना जरूरी था। अब ए थ्री अगर नहीं किया और व्हाइट ने कैसलिंग किया तो बी फोर के बाद व्हाइट को नाइट ए फोर खेलना पड़ेगा और सिंपल बिशप टेक्स ई फोर। तो ये पोजीशन में व्हाइट की एक मिस्टेक, अगर व्हाइट ए थ्री नहीं करता है तो तुरंत आपको गेम में अटैक कर देना है, आप सिंपल विनिंग हो जाओगे। दूसरी लाइन देखते हैं दोस्तों, जो कि रेयर खेली जाती है लेकिन बहुत सारे लोग खेलते भी है। यहाँ ई फोर सी फाइव, दोस्तों मोरा गैम्बिट के सामने आप ऐसे अच्छे से सिंपल एक पॉन प्लस होके आराम से खेल सकते हो, परफेक्ट डिफेंस करना जरूरी है। उसके बाद व्हाइट खेलता है सी थ्री, सी थ्री में डी फोर अटैक करना चाहता है, बहुत सारे प्लेयर सेंटर कंट्रोल के लिए ये मूव करते हैं। यहाँ पे आपको खेलना है ई फाइव, पहले ही डी फोर को स्टॉप कर दो। उसके बाद व्हाइट खेलेगा नाइट एफ थ्री, आपके ई फाइव पॉन के ऊपर अटैक, यहाँ आपको नाइट सी सिक्स खेलना है। व्हाइट खेलेगा बिशप सी फोर, यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन सी सेवन, शॉर्ट कैसल, आपको खेलना है नाइट एफ सिक्स, नाइट जी फाइव, एफ सेवन के ऊपर अगर अटैक आता है तो डोंट पैनिक मत होइए, नाइट डी एट से उसे सपोर्ट करके खेल सकते हैं। आफ्टर एफ फोर सिंपल एच सिक्स, नाइट एफ थ्री, ई क्रॉस एफ फोर, ई फाइव, नाइट एच सेवन। तो ये वेरिएशन में आप खेल सकते हो, इससे भी बेटर वेरिएशन में बताता हूं, ये ऑड लाइन के सामने है, फिर से ध्यान से देखिए, ई फोर सी फाइव सी थ्री, तो यहाँ आप ई फाइव ना करके डी सिक्स भी खेल सकते हैं। डी सिक्स मेरे हिसाब से मेरे पहले वाले वेरिएशन से ज़्यादा अच्छा है ब्लैक के लिए, ये भी ध्यान रखिए। डी सिक्स के बाद व्हाइट खेलेगा डी फोर, यहाँ आपको नाइट एफ सिक्स करना है, मारना नहीं है वरना व्हाइट के हाथ में कंट्रोल हो जाएगा। नाइट एफ सिक्स ये ई फोर पर डायरेक्ट अटैक करता है। व्हाइट खेलेगा डी टेक्स सी फाइव, यहाँ नाइट सी सिक्स, अब सेंटर पॉन बचाने के लिए एफ थ्री, बहुत सारे व्हाइट प्लेयर्स एफ थ्री जी फोर अटैक के लिए एफ थ्री खेलते हैं,
f3 के रिप्लाई में आपको खेलना है d5 इनटू d5 नाइट क्रॉस d5 बिशप c4 e6 बिशप टेक्स d5 e टेक्स d5 बिशप e3 be7 नाइट e2 कैसलिंग के लिए जगह बनाएगा और ब्लैक कैसलिंग। अब आपको लगेगा एक पॉन डाउन है हम, लेकिन उसका एडवांटेज व्हाइट को जरूर मिलने वाला नहीं है क्योंकि दोनों पॉन एक लाइन में है। इस पॉन को कभी भी आप डबल अटैक करके मार सकते हो। ये पोजीशन में ब्लैक का कैसल हो चुका है, ब्लैक के मोस्टली सभी पीसेस डेवलप हो चुके हैं। इंस्टेड ऑफ बिशप आप तुरंत निकाल सकते हो और ये पोजीशन से ब्लैक से काफ़ी बेटर खेल सकते हो। पॉन तो कभी भी रिकवर हो जाएगा इस पोजीशन में क्योंकि ऑलरेडी डबल पॉन है और f3 पे एक पॉन है जो नाइट की जगह रोकता है। तो ये पोजीशन से, और वैसे भी कंप्यूटर इस पोजीशन को ब्लैक की ओर से माइनस प्लस मतलब स्लाइटली एडवांटेज ब्लैक को बता रहा है। तो ये थी अगेंस्ट मोरा गैम्बिट और रेयर ओपनिंग जो c3 वाली, और भी रेयर ओपनिंग और बहुत सारे ओपनिंग्स, बहुत सारी वाइट की ओर से लाइन देखनी है वन बाय वन, सारे वेरिएशन आपको सिसिलियन के सीखने हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए। जल्द ही मिलेंगे नए वेरिएशन के साथ, नई ओपनिंग के साथ, सिसिलियन के नए वेरिएशन के साथ। तो ये था मेरा दूसरा भाग अगेंस्ट हाउ टू प्ले सिसिलियन डिफेंस अगेंस्ट सिसिलियन के वेरिएशन, मतलब अगेंस्ट सिसिलियन वाले वीडियो आपको देखने हैं तो मेरे पुराने वीडियो मोरा गैम्बिट देख लीजिए, बहुत मजा आएगा उसमें भी व्हाइट से खेलने के लिए। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।